लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई भी मोबाइल ऐप के लिए या वेबसाइट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, राइट? इसको फ्लटर में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एक ही कोड से आप मल्टीपल डिवाइसेस में इसको रन कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप में भी वर्क करेगा, उसमें एंड्रॉयड आईफोन दोनों आ जाते हैं, वैसे ही वेबसाइट के लिए भी ये काम करेगा और डेस्कटॉप ऐप के लिए भी ये काम करेगा, ठीक है। UI किस तरीके से क्रिएट किया जाता है आज अपन इस प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के दो पार्ट रहने वाले हैं। आज के वीडियो में हम UI डिज़ाइन करेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से जो भी डेटा हम लॉगिन फॉर्म में एंटर करेंगे वो डेटाबेस में ऐड होगा, और उसका यूज़ करके यूज़र को लॉगिन फीचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें गूगल साइन इन और फेसबुक साइन इन के भी मेथड्स हम ऐड कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है। तो गाइस स्क्रीन पर डायरेक्ट चलते हैं किस तरीके से UI को डिज़ाइन किया जाए और उसको क्रिएट किया जाए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिप फोल्डर में main.dart फाइल में आना है, ठीक है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है कि फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया था, तो आप वो वाला एपिसोड देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में भी ड्रॉप कर दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अभी अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करूँ तो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है अभी, ठीक है। यहाँ पे ये डिबग जो है फ्लैग, इसको रिमूव करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिबग शो चेक्ड पैनर फॉल्स। तो इससे क्या होता है, ये जो डिबग, इसको रिलोड कर लेंगे, जो डिबग वाला यहाँ पे आ रहा था ना बैनर, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले राउट्स को सेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा लॉगिन फॉर्म है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँगा कि जब भी हमारे ऐप में लॉगिन ये वर्ड यूज़ हो तो इस पेज पे वो चला जाए, ठीक है, लॉगिन पेज। वैसे ही अगर रजिस्टर हो तो कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर पेज पे वो चला जाए। अब ये रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज तो हमारे इसमें है ही नहीं, तो हम सबसे पहले वो क्रिएट कर लेंगे। लिब में न्यू फाइल करेंगे, लॉगिन पेज डॉट डार्ट, ठीक है। वैसे ही एक रजिस्टर पेज भी क्रिएट कर देंगे, पेज डॉट डार्ट। तो हमारे दो पेज यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले सेटअप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे हम लोग हमारा पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। क्लास हम बना देंगे लॉगिन पेज, स्टेटलेस विजेट, इसको ओवरराइड, इसका जो ओवरराइड मेथड है बिल्ड का वो लिख लेंगे विजेट build और यहां पर अभी हम रिटर्न कर देंगे कंटेनर। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे रेडी हो गया। वैसे ही रजिस्टर पेज का भी हम यहां पे रजिस्टर पेज कर देंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को इंपोर्ट नहीं किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वार्निंग का एक ये दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज डॉट डार्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। वैसे ही रजिस्टर पेज है तो रजिस्टर पेज डॉट डार्ट, यहाँ पे हमें एक मैप बनाना है, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस आपको ऐड करने होंगे। ये हो गया हमारा लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज का सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम अपना लॉगिन पेज डिज़ाइन करते। तो यहाँ पर हमें, जैसे कि हमने स्क्रीन में देखे कि यहाँ पे जैसे हेडर इमेज है, ये हेडर इमेज अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में एक टेक्स्ट विजेट, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और ये बटन। तो सबसे पहले हम ये इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको है ना डेकोरेशन यूज़ करना होता है कंटेनर का, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर
उसमें हम इमेज यूज़ करेंगे, डेकोरेशन इमेज, और इसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे। उसको नाम मैं दे दूँगा इसके एसेट इमेज मेथड से, एसेट्स फोल्डर में इमेजेस में मैंने लॉगिन 4.png इमेज का नाम ऐड किया है, ठीक है। तो ये एसेट्स का फोल्डर मैंने ऐड किया खुद से, उसमें इमेजेस फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू फोल्डर, ठीक है। उसमें मैंने ये इमेज ऐड की हुई है लॉगिन 4.png, ये वाली इमेज। इस इमेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा इमेज का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। अब इसको रन करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि इमेज इस तरीके से दिख रही है। अब इसको हमको फुल स्क्रीन अगर लाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिट यूज़ करना होगा, फिट बॉक्स कवर लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज पूरी फिट हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड। तो कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम लोग स्कैफोल्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ colors.transparent। अब इसमें हम बॉडी ऐड कर देंगे, बॉडी में स्टैक विजेट, इसकी चिल्ड्रन में ऐड करेंगे हम लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। कोई फ़ोन अगर छोटी रही और उसका कंटेंट अगर फिट हो गया मोबाइल में तो वो स्क्रोल हो जाएगा, तो उसके लिए सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग चाइल्ड ऐड कर देंगे, एक कंटेनर, फिर उसमें चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ, उसको कॉलम विजेट में ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है। चिल्ड्रन, अब सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए हेलो, सॉरी वेल, सबसे पहले जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो चाहिए वेलकम बैक, ठीक है। तो वेलकम बैक का यूज़ करके हम लोग उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम बैक आ चुका है, पर हमें उसका स्टाइलिंग थोड़ा सेट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो स्टाइल के लिए आपको टेक्स्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा, टेक्स्ट स्टाइल कलर colors.black उसको दे देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट साइज हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको इस तरीके से। अब यहाँ पे है ना हमें पैडिंग ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमें है ना थोड़ा बीच में चाहिए, मतलब इस जगह पे। तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ कर लेंगे। तो पैडिंग के लिए जैसे कि हमें पता है यहाँ पे एज इंसेट्स डॉट ओनली, टॉप से हमें, अब हम यहाँ पे है ना डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे 120 अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो वो टॉप से पैडिंग हमें दे देगा। अब हर मोबाइल फ़ोन का साइज़ तो अलग अलग रहेगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन का साइज़ इतना है हाइट, सैमसंग का हाइट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में हमारे ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 120, ये बराबर सूट नहीं होगी। ये वेलकम बैक कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, किसी फ़ोन में यहाँ दिखेगा। तो अगर हमें इसको फिट करके रखना है तो हमें इस स्क्रीन की हाइट पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये पूरी हाइट निकाल के फिर उसका जो टॉप है वो हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ कर लेंगे। तो पैडिंग में टॉप में 120 की जगह देने के बजाय मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ कर देता हूँ ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से स्क्रीन की हाइट हम लेना चाहते हैं उसकी हाइट हम निकाल के सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब हमें राइट और लेफ़्ट से भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो हम लोग उस वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे राइट से मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ और लेफ़्ट से 35, ठीक है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे वेलकम बैक हमारा आ चुका। अब हम देखते हैं कि ईमेल टेक्स्ट फील्ड कैसे ऐड करें, ठीक है। और वेलकम बैक लेबल तो हमारा आ गया,
अब टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के लिए टेक्स्ट फील्ड विजेट यूज़ करेंगे, उसको डेकोरेशन कर लेंगे अपन, इनपुट डेकोरेशन। उसका जो प्लेस होल्डर है वो सेट कर देते हैं हिंट टेक्स्ट से, उसको मैं नाम दे देता हूँ ईमेल, ठीक है। उसका कलर हिंट स्टाइल से सेट कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। तो इससे जो प्लेस होल्डर है उसका कलर ब्लैक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। इस तरीके से हमारा ईमेल लेबल ईमेल नाम का टेक्स्ट फील्ड हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बॉर्डर है वो हमें सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? डेकोरेशन प्रॉपर्टी का ही यूज़ करके, तो सबसे पहले एनेबल्ड बॉर्डर ऐड कर देते, यानी जो पहली बार यूज़र को दिखेगा वो बॉर्डर पहले ऐड कर देते। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर साइड डॉट कलर यूज़ करके, इसकी कलर प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे इसको कलर दे देंगे ब्लैक, ठीक है। इसी को ही बॉर्डर रेडियस हमें देना होगा, तो बॉर्डर रेडियस सर्कुलर यूज़ करके 10.0 इसको बॉर्डर दे देते। ये हो गया हमारा एनेबल्ड बॉर्डर इस तरीके से। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि बॉर्डर गायब हो जा रही, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोकस्ड बॉर्डर भी ऐड कर देंगे। इनपुट डेकोरेशन के अंदर ही हमें ऐड करना होगा, तो यहाँ पर फोकस्ड बॉर्डर ऐड कर देते। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर बॉर्डर साइड इसकी कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इस बार जब वो क्लिक करेगा उसको हम पिंक कलर सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई कर देते, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर से हम उसको बॉर्डर दे देंगे, और यहाँ पे एक कॉमा दे देंगे तो सेपरेट कर देगा चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो प्रॉपरली वो कलर चेंज कर ले रहा है। अब इसकी जो पैडिंग है वो प्रॉपर सेट नहीं है, ईमेल हमें थोड़ा नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेलकम बैक है ना इसके नीचे हम एक साइज्ड बॉक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे एक पैडिंग उसके तो उससे क्या होगा, बीच में एक स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं उसको 120 दे देता हूँ इस तरीके से, तो प्रॉपरली वो सेट हो गया। अब हमें ईमेल के जैसे ही एक पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को ही हम कॉपी करेंगे टेक्स्ट फील्ड को, और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। इसको टेक्स्ट फील्ड को इसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। अब जैसे कि पता है कि पासवर्ड में हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड का ऑब्स्कर प्रॉपर्टी, ऑब्स्कर टेक्स्ट, इसको मैं ट्रू सेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी पासवर्ड का आप ऐड करेंगे तो पासवर्ड वहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा, वो डॉट डॉट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये यूज़ होगा। तो ये हो गया हमारे ईमेल और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड सेट। अब इन दोनों के बीच में भी हमें स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए हम एक साइज बॉक्स ऐड कर देंगे, साइज्ड बॉक्स की हाइट सेट कर देते हैं 30। तो प्रॉपर तरीके से ये हमारे टेक्स्ट फील्ड सेट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे साइन इन बटन और एक ये बटन, ठीक है। यहाँ पे एक आइकन चाहिए और इस पर क्लिक करने पे साइन इन पेज ओपन हो जाए, और वैसे ही साइन अप के लिए एक बटन हमें चाहिए, तो वो क्रिएट कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइन इन बटन है और एक आइकन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रो क्रिएट कर लेंगे, और रो के अंदर हम एक ये टेक्स्ट बटन ऐड करेंगे और एक ये आइकन ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक रो क्रिएट करेंगे, और ये एक बटन रहेगा और ये एक बटन रहेगा, और ये जो चीज़ें हैं ना ये हम कॉलम विजिट में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है।
और इस कॉलम विजेट के अंदर ये रो विजेट। अगर फ्लटर विजेट्स को समझने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो पिछले एपिसोड में मैंने फ्लटर विजेट्स का एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसमें सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप क्रिएट करते हैं रो विजेट, यहाँ पे इसको चिल्ड्रन दे देंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, साइन इन, उसको स्टाइल कर देंगे प्रॉपर। उसको फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ और फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट डॉट ठीक है। अब इस रो के अंदर पहला हमारा टेक्स्ट रहेगा और दूसरा हमारा एक आइकन रहेगा, तो उसके लिए मैं सर्कल अवतार यूज़ करूँगा, उसमें हम आइकन ऐड करेंगे, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, ग्रीन कलर का हमें चाहिए। उसमें शेड अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अभी शेड 400, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, अब इसमें हम आइकन ऐड कर देते थ्रू आइकन बटन। आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, ये वाला आइकन यूज़ करेंगे हम लोग, और उसका कलर भी सेट कर देते हैं यहाँ पे आइकन का कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपरली नहीं ऐड किए हुए हमने, तो प्रॉपरली आपको ऐड करने हैं, ठीक है। आइकन यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ब्रैकेट्स आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं साइन इन और हमारा ये बटन रेडी है। अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस चाहिए, मतलब ये राइट, ये बटन जो हमें ये राइट में चाहिए। तो रो के अंदर आप है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करके स्पेस ऐड कर सकते हैं दोनों के बीच में, लाइक दिस, ठीक है। अब ऊपर से भी स्पेस चाहिए तो हम साइज्ड बॉक्स यूज़ कर लेंगे, जैसे पहले यूज़ किए थे, लाइक दिस। अब हमारा क्रिएट हो गया, साइन इन और एक आइकन हमने ऐड किए। अब ऐड करते हैं इसमें साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए मैं रो क्रिएट करूँगा चिल्ड्रन। अब इसमें हमें एक टेक्स्ट बटन विजेट लगेगा, जिसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे कुछ होगा, और यहाँ पे एक चाइल्ड में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, साइन अप। उसकी स्टाइल में सेट कर दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। उसकी स्टाइल में हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, और कलर उसका सेट कर दूंगा मैं पिंक कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज सेट कर देंगे लाइक दिस। सिमिलरली हमें एक और टेक्स्ट बटन लगेगा, जिसको मैं बोलूँगा फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड ऐड हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्पेस अगर हमें चाहिए तो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करके इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लॉगिन का पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब साइन अप पे हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे हमें रजिस्टर पेज ओपन करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ऑन प्रेस्ड इवेंट पे जो साइन अप बटन है उसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हम नेविगेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, रूट राउट नेम हमने ऑलरेडी सेट करके रखे है रजिस्टर नाम से, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होगा तो मेन डॉट डार्ट में मैंने ऑलरेडी सेट किया था रजिस्टर पे, रजिस्टर पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। सिमिलरली लॉगिन पे, लॉगिन पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। तो अपना ये जो पहला पेज था लॉगिन का, ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे
तो ये क्रिएट एन अकाउंट, अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड मैं रजिस्टर पे ऐड करूँगा, और यहाँ पे रजिस्टर पेज बस क्लास का नेम चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलकम बैक की जगह पे क्रिएट एन अकाउंट, इस तरीके से इसको रन करते तो रजिस्टर पेज में हमें एक ईमेल का भी चाहिए, लाइक दिस, नेम, ईमेल और पासवर्ड तीन चाहिए। तो एक टेक्स्ट फील्ड और ऐड कर देते हैं, तो इसी कोड को रीयूज़ करके मैं यहाँ पे एक नेम भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, और साइज बॉक्स फॉर स्पेसिंग, इस तरीके से। अब ये जो नीचे दो बटन है, इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपके डिज़ाइन के बेसिस पे आप उसे जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और साइन इन की जगह पे यहाँ पे हमें साइन अप क्रिएट करना है, ठीक है, साइन अप। तो ये हुआ हमारा लॉगिन और रजिस्टर पेज का यूआई, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करके इसमें जो भी डेटा हम एंटर करेंगे इस बटन के क्लिक पे वो फायरबेस में ऐड होगा, और उसी का यूज़ करके हम लॉगिन भी ऐड करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि गूगल साइन इन और फेसबुक साइन इन किस तरीके से किया जाता है फायरबेस की मदद से, वो प्रोजेक्ट भी हम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मोबाइल ऐप में यूज़ करते हैं, और किस तरीके से फ्लटर विजेट्स का जो यूज़ किया जाता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फायरबेस से उसको कैसे कनेक्ट करें और डेटा को हैंडल करें, और उसकी स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्लटर विजेट्स के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है हर विजेट के बारे में, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।